दूसरी बात डॉक्टर साहब की ने जो ये कही कि मैं शिया हूं और मैं बदबूदार शिया हूं, अपने आप को बदबूदार शिया कहना और इस तरह के अल्फाज मीडिया के सामने इस्तेमाल करना, इससे अहले सुन्नत वाल जमात वालों को तकलीफ हुई। मुफ्ती साहब ने फरमाया बदबूदार, बदबूदार शिया मैंने इसलिए कहा कि हमें बदबूदार शिया कहा गया, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहा गया। वहां मैंने खड़ा होकर मैंने कहा था 1995 में कि मुझे फखर है कि मैं बदबूदार शिया, तो हमें कहा गया इसलिए मैंने अपने को बदबूदार, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने को बहुतों से ज्यादा खुशबूदार समझता हूँ और इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि मेरी वालदा भी सुननी है, मेरी एहलिया के खानदान वाले भी सुननी है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह डॉक्टर साहब भी सुननी हो जाएंगे। मुफ्ती साहब ने एक तो शिया सुन्नी की बात की कि मैं शिया की बात करता हूँ, और मुफ्ती साहब ने ये फरमाया कि कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे ये भी सुन्नी बन जाएंगे। तो मेरा आधा खानदान सुन्नी है लेकिन मैं शिया हूँ, मैं शिया सेक्ट के जो बुनियादी बातें हैं उन पे मैं यकीन करता हूँ। अब मैं सियासत की वजह से मैं ये ड्रामा करूं सुन्नी हजरात को अपने तरफ मायल करने के लिए, तो वो भी मैं झूठ के धोखे के जमरे में समझता हूं, इसलिए ये एक्टिंग मैंने ना पहले की है ना मैं अब कर सकता हूं। अंदर बात हुई, मुफ्ती साहब ने ये फरमाया कि इंशाल्लाह आप राय रास्त पे आ जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, शिया हो जाएंगे। मैंने कहा मुकाबला बड़ा सख्त होगा, मैं कोशिश करूंगा आपको शिया करने की, आप कोशिश करेंगे मुझे सुन्नी करने के, ये वक्त बताएगा कि आप शिया होते हैं या मैं सुन्नी होता हूँ। ये बात यहाँ पे खत्म हुई और अब हो जानी चाहिए। वो ये की थी कि डॉक्टर साहब ने कहा मैं खुमैनी इंकलाब लाना चाहते हैं, तो जाहिर बात है कि खुमैनी इंकलाब जो है उस पर सारी दुनिया मुत्तफिक नहीं है, उसमें बहुत से लोगों के कलाम है, बहुत से लोगों के एतराजात है। इमाम खुमैनी के रेवोल्यूशन की बात, रीसेंट मुस्लिम हिस्ट्री में जो रेवोल्यूशन आए उसमें कामयाब रेवोल्यूशन लोगों की तवक्का पे चलते हुए, लोगों की जनरल पब्लिक मेजॉरिटी पब्लिक की बेहतरी के लिए और उनके बेनिफिट में जो रेवोल्यूशन कामयाब हुए हैं वो इमाम खुमैनी का था। इसलिए मैंने कहा कि उस टाइप का रेवोल्यूशन हमें चाहिए। अगर उससे बेहतर मिसाल अभी के मेरी जिंदगी के टाइम की हो तो मैं वो नाम लेने के लिए तैयार हूँ।